शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हड्डियों की कमजोरी और दिल से जुड़े रोग आपको कभी नहीं होंगे अगर करेंगे इन बीजों का सेवन। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे तरीके के बीजों के बारे में बताएंगे जो आपकी हेल्थ के लिए काफी उपयोगी है और अनेक बीमारियों को ठीक करने में काफी मदद करते हैं आपकी। दोस्तों, यदि आपको कोई भी बीमारी है, किसी भी बीमारी से परेशान है और उसके लिए आप घर पर दवा चाहते हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए घर पर ही दवा मंगा सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं उन बीजों के बारे में जो आपके लिए काफी उपयोगी है। दोस्तों, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये डायलॉग इन बीजों पर फिट बैठता है। साथ ही अगर इन बीजों के बारे में ये कहा जाए कि देखने में छोटे लगे, असर करे भरपूर, तो भी ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, आज जिन बीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है चिया बीज। चिया के बीज काफी गुणकारी होते हैं, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि चिया बीज और तुलसी के बीज यानी कि सब्जा सीड ये एक ही होते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। चिया बीज अलग होते हैं और तुलसी के बीज अलग होते हैं। इन बीजों में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन बीजों को सुपर फूड की श्रेणी में रखा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन बीमारियों के बारे में जिन बीमारियों में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका वजन कंट्रोल में नहीं है, वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब इन बीजों का आप सेवन करें। इन बीजों के सेवन से आपका वजन कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मौजूद हाई प्रोटीन भूख के एहसास को कम करके वजन को कम कर देते हैं, इसलिए इन बीजों का सेवन आप जरूर करें। हृदय को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए इन बीजों का सेवन करें, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फाइबर की मौजूदगी के कारण ये हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इनके प्रयोग से दोस्तों आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी तो हार्ट की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। आपको कभी भी हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। हड्डियों और दांतों के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके दांत कमजोर है, टूट जाते हैं या फिर आपकी हड्डियां कमजोर है, हड्डियां कमजोर होने की वजह से आपको अनेक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तब आप इन बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इन बीजों का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कैल्शियम की कमी जो है अंदर वो पूरी हो जाएगी, और कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए भी जरूरी है और हमारे दांतों के लिए भी जरूरी है, तो आप इन बीजों का सेवन करें। यदि आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं तब भी आप इन बीजों का सेवन कर सकते हैं। इसमें मौजूद जो फाइबर होता है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के जोखिम को कम करने में काफी मदद करता है। चिया बीज में ऐसी शक्ति होती है जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देती है। डायबिटीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको बीपी की बीमारी है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा और आपका बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, इन बीजों में फाइबर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये आपको डायबिटीज में काफी हेल्प करेगा कंट्रोल करने में। कब्ज है आपको, कब्ज को कंट्रोल करने में भी ये काफी मदद करेगा। दोस्तों, इसमें फाइबर होता है और खासतौर पर अघुलनशील फाइबर होता है। चिया बीज जब पानी में मिलते हैं तो वो जेल में बदल जाते हैं, इस कारण ये मल को नरम बनाकर मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बना देता है, इसलिए आप चिया बीजों को जरूर इस्तेमाल करें यदि आपको कब्ज की समस्या है। दोस्तों, यदि आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, सारा दिन थके थके रहते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि चिया बीज में लिपिड, प्रोटीन, मिनरल्स के साथ साथ कई तरह के फैटी एसिड भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि ऊर्जा के एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इस आधार पर ये कहना गलत नहीं होगा कि चिया के बीज के लाभ में जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करके ऊर्जा प्रदान करना भी शामिल होता है। तो दोस्तों, एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप इनका इस्तेमाल करें। यदि आप अपनी नींद में सुधार करना चाहते हैं, आप सारी सारी रात जाग कर निकाल देते हैं, आपको अनिद्रा की समस्या है, तब आप इन बीजों का सेवन करें, क्योंकि इन बीजों में ट्रिप्टोफैन नाम का एक खास तत्व पाया जाता है जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी उपयोगी है। साथ ही दोस्तों, ये चिंता और डिप्रेशन के साथ अनिद्रा की समस्या में भी सहायक होते हैं, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अनिद्रा की समस्या में चिया बीज का सेवन किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं ये बीज, मनोदशा में सुधार लाता है, मूड स्विंग और मनोदशा के सुधार के मामले में चिया के बीज काफी लाभकारी होते हैं।
दोस्तों ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। प्रोटीन मुख्य रूप से हड्डी, त्वचा और मांसपेशियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए यदि आप हड्डी के कोई भी रोग से परेशान है, त्वचा के रोगों से परेशान है या मांसपेशियों में आपके दर्द बना रहता है, तब आप इन बीजों का सेवन करें। ये बीज हमारी त्वचा के लिए काफी लाभकारी है। आपकी स्किन पर कहीं भी रैशेज हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, तब आप इन बीजों का सेवन करें, क्योंकि यदि आप इन बीजों का सेवन करते हैं तो आपको कभी भी बुढ़ापा भी नहीं आता। बालों के लिए काफी फायदेमंद है। आपको बालों से जुड़ी कोई भी समस्या है, उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों की रूसी को खत्म कर सकते हैं, या आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे तब भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके काफी फायदे मिलते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीज, मैग्नीशियम के साथ साथ चिया के बीजों में अच्छी मात्रा में फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और फाइबर जैसी कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें। यही वजह है कि चिया बीज के सेवन से कुछ हद तक इन सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है। वहीं पर प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड की मौजूदगी के कारण शाकाहारी लोग इसे अंडे के विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ग्लूटेन मुक्त भी है ये, इस कारण इन बीजों को पचाने में आंतों को अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इसलिए आप इन बीजों का सेवन जरूर करें। अब आपको बताते हैं कि आप इन बीजों का उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप चिया सीड के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही के साथ आप चिया बीजों को मिलाकर खा सकते हैं, या फिर पानी में भिगोकर आप इन बीजों का सेवन कर सकते हैं। आप रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दें इसका 1 चम्मच और सुबह उठते ही इसका सेवन कर लें, आपको काफी फायदे मिलेंगे। दलिये के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप अपनी डेली रूटीन में इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 7 दिन में ही काफी फायदे नजर आएंगे। तो 7 दिन इन बीजों का सेवन जरूर करें और अपने लिए फायदा उठाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।